गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी सभी को। तो गाइस देखो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर कृष्ण जन्म लिया है तो वही उनका देख रहा था। और रुको आपको दिखाता मैं, जब लेकर जाते हैं जेल से। देखो यहाँ पर इतना बारिश, बिजली, तूफान सब हो रहा है, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखो देखो कितना सारा पानी है और कैसे लेकर जा रहे हैं बच्चे को, बिजली कड़क रही है। गाइस आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी बारिश बहुत हो रहा है, मैं रात को देखा था। और देखो देखो कितना बारिश हो रहा है, देखो देख रहे हो गाइस, कल बारिश नहीं हो रहा था और आज देखो कितना बारिश हो रहा है। देखो गली में पानी दे रहा है, इतना बारिश हो रहा है। और सुबह में इतना बिजली कड़क रहा था ना कि पूछो मत, देख रहे हो कितना फास्ट बारिश हो रहा है। आजू बाजू का बिल्डिंग उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, उधर के भी बिल्डिंग नहीं दिख रहा है उतना, बारिश बहुत हो रहा है। तो गाइस आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे सनातन धर्म में कोई भगवान का या जन्म होता है, या जैसे कि गणेश चतुर्थी में इतना बारिश होता है, और कृष्ण जब जन्म हुआ था ना कृष्ण का, तभी उस टाइम भी बहुत ज़्यादा बिजली कड़की थी, बारिश हुई थी। और आज भी देखो कितना बारिश हो रहा है बाहर, देख रहे हो। तो गाइस यही है हमारे हिंदू धर्म के, हिंदू सनातन धर्म में। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी सभी को। तो आज चलते हैं गाइस, आज देखते हैं दही हंडी फोड़ेंगे वहाँ बाहर में, तो जाते हैं और मिलते हैं। जाता हूँ पहले फ्रेश हो जाता हूँ, अभी तो भूत दिख रहा हूँ मैं भी, बाल इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो जाता फ्रेश होता हूँ निकलता हूँ। ओके तो मिलते हैं गाइस बाद में, ओके बाय। तो गाइस अभी मैं वाईफाई रिचार्ज कराना है, अगर रिचार्ज करवा के अब देखो यहाँ पर एक कितने थर का लगेगा पता नहीं, अभी जब फोड़ने आएंगे शायद रात में या शाम को फोड़ेंगे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं दही हंडी लेने, सॉरी दही हंडी बोला, हंडी लेने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके बाद जाके फिर घर पे जाएंगे तो फोड़ेंगे। तो अभी रास्ते में, और ये मेरा भाई है देखो, तो अभी घर जा रहे हैं। 10 रुपए तो रखता नहीं है जेब में, ऑनलाइन तो टेंशन क्यों कर। आप इधर देखो गाइस, इधर पे भी देखो डेकोरेशन कर रहे, शायद रात के टाइम पे फूटेगा दही हंडी। चलो आपको सामने से दिखाता हूँ, ठीक है। रात में तो ये हंडी रात में, अब यहाँ का दही हंडी देखो, आपको दिखा दो थर लगा हुआ। ओ देखो गाइस, एक मिनट भाई, एक मिनट। यशस्वी प्रयत्न झालेला टाया वाजवणाऱ्या प्रेक्षकांनी बैठक अतिशय मैं घर पे आ चुका हूँ। तो ये सब पूरा अभी डेकोरेशन कर लिया हूँ, और देखो कितना अच्छा से कितना अच्छा प्यारा हंडी लग रहा है। तो अभी बस वहाँ लटकाने का बाकी है, वही सोच रहा हूँ इधर लटकाऊँ कि उधर लटकाऊँ। तो जिधर लटकाऊँगा पे देखते हैं गाइस, और ऊपर से अब जब फोड़ेंगे तो वाला सीन बहुत अच्छा रहेगा। तो गाइस अभी हम रेडी है दही हंडी फोड़ने के लिए। आज आपको फोड़ने के लिए गाइस, चलो आज दही हंडी फोड़ते हैं। मैं सीढ़ी से चढ़ता हूँ, बांधता हूँ ना पॉज किया। तो गाइस अभी मैं फिर से मार्केट आया था, क्योंकि वो वाला मटकी चढ़ाया था वो, और एक छोटे बच्चे से मिस्टेक से फूट गया, तो दो मटकी और लेकर आया, अभी लेने के लिए आया, अभी लेकर जाता हूँ। अभी एक फूट जाएगा तो एक तो रहेगा कम से कम। तो चलते हैं गाइस, और देखो बैक साइड में बहुत डीजे चल रहा है उधर पे, और इधर भी चल रहा है।
सब जहाँ मटकी फूट रहा है यहाँ पर। चलो लेकर आया, दो हांडी लेकर आया इस बार। अगर एक मिस्टेक से फूट जाता तो दूसरा है, अगर नई मिस्टेक से फूटा तो फिर ये भी फोड़ेंगे, फिर एंजॉय करते टाइम। तो चलो फटाफट रेडी करते हैं, फिर से दूध दही लेकर आया और फूल लेकर आया, फिर से मिक्स करते हैं फटाफट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं गाइस। अभी जा रहा हूँ फिर से फोड़ने के लिए, अभी रेडी है। तो ये रहा मेरा मोर का पंख और ये रहा, मैं रेडी हो चुका हूँ और बस इसको कृष्णा का लगाता हूँ। भाई इधर रहेगा कि इधर रहेगा? ये साइड रहेगा, ये साइड ना। लगाओ ऐसा। जीता जागता कृष्णा, बाल कृष्णा कृष्णा, जीता जागता कृष्णा आ गया हमारा। कृष्णा का बाल भी बड़ा ही रहता है। हाँ मेरा भी बाल बड़ा है ना। अपने बाल कृष्णा अपने बाल के साथ। तो गाइस चलते हैं फोड़ते हैं और मजा आएगा। कितना अच्छा प्यारा लग रहा है मुझे मोर का पंख। वाह चलो गोविंदा टीम, बोलो गोविंदा गोविंदा। ये बंदे लोग रेडी है ना? चल चल अपने लड़के लोग को तो बुलाओ। ये देखो हमारे नटखट कृष्णा, ये हमारे कृष्ण गोपाल है, नटखट नटखट गोविंदा। देखो करेगा। तो गाइस पलटन जमा हो गई है, अब धीरे धीरे आ रहे। देखो ये मैं बना रहा हूँ, बना रहा हूँ, बना रहा हूँ। चलो भाई चलो, जिसे चढ़ना है ऐसा नहीं बनाना है। अरे लवड़ी एकदम हो तो रहा है, इतनी गांठ फटी है। गदा मजदूरी करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है गदा मजदूरी। आग तो फूटेगी। एक बार फेल यार मेरे को चला रहे मस्ती क्यों कर रहा है? आ जा सपोर्ट के लिए दे रहा तू। ये मटकी तोड़ रहे हो गया गाइस। तो बहुत मजा आया हमारा,
तो गाइस ये हमारे ग्रुप के टीम है जो कि अभी कंप्लीट हो गया है, तो ये अंकल बहुत सपोर्ट किया हमारे और ये भी बाकी सब सपोर्टर में थे। सरोन भाई थैंक यू सो मच। तो गाइस मटकी फूट गई ये अभी, तो सारे यहाँ देख रहे हैं। ले उम्मीद से पानी आ पकड़ फोन पकड़ माँ खावे ना चाहिए जब बिल जाए तो टेंशन क्यों ले रही है। हाँ तो का है तो जब ये निकल क्यों नहीं रहा पट्टी पट्टी ना निकल तो पिक्चर और ना और कर रहा है बनी ले चल ले नहला मम्मी नहला माँ साहब का टेंशन मत ले फ्री का पानी है। माँ साहब फ्री का पानी है श्री कृष्णा। हाँ अरे सूट कर। हाँ हाँ चल चल सूट कर तोरे बन जाता ही। तो अभी फाइनली मैं नहा के फिर से फ्रेश होके रेडी हो गया हूँ। तो गाइस जो जो आए थे दही हंडी में तो उन लोग के लिए दिल से थैंक यू सो मच, जो नीचे थर में उठाए थे उन लोग के लिए भी थैंक यू सो मच, और जो देख रहे थे उनके लिए भी थैंक यू सो मच। पर यार एक बंदा था जो मेरे बारे में उल्टा से उल्टा नहीं बोला बोला था इतना बड़ा हो गया है और तू हंडी फोड़ेगा। भाई बड़ा छोटा सा नहीं होता है यार, दिल साफ रहना से बस। और ऊपर से मेरे अंदर शौक था गाइस कि मैं एक बार हंडी फोड़ूँ, लाइफ में एक बार फोड़ूँ, तो फोड़ दे उसमें क्या है यार, पैसा मेरा सब कुछ मेरा, खर्चा मेरा, मेहनत मेरा, तो फोड़ने में क्या जाता है। तो गाइस किसी को ऐसा नहीं बोलो तुम्हारा शौक है तो तुम भी फोड़ो भाई, मैं उठाता हूँ फोड़ो जिसको जिसको शौक है, मुझे किसी को फर्क नहीं पड़ता ना मैं किसी को बारे में बुरा बोलता हूँ भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब लोग अपनी अपनी लाइफ इंजॉय करते हैं। तो गाइस दिल से थैंक यू सो मच जिसने जिसने मेरे लिए इतना कुछ सोचा और जिसने नहीं भी सोचा उनके लिए भी थैंक यू सो मच। तो गाइस अब ब्लॉग यहीं तक एंड करते हैं। और हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, मेरी हेल्प किसने की। तो गाइस मेरे पास दो ब्लॉग ऑलरेडी पहले से पड़ा था तो अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज वाईफाई का नेट मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मोबाइल का रिचार्ज 2 GB मिलता था, 2 GB मेरा होता नहीं था, 2, 3, 4, 5, 6 GB चला जाता, वीडियो अपलोड नहीं होता था। तो इसलिए तो राहुल बोला एक काम कर ले 500 रुपये ले, तो गया मैं गाइस आज रिचार्ज भी कराया वाईफाई का, 500 लगा वाईफाई रिचार्ज करा के। ये देखो स्टार्ट भी हो गया मेरा वाईफाई, कहाँ गया है देखो। तो आज मैंने अपने दीदी को बोला कि दीदी आज मुझे थोड़ा कृष्णा बनना है, ऊपर से थोड़ा हेयर भी बड़ा बड़ा है और कृष्णा बन के थोड़ा हंडी फोड़ना है, तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो कंचन दीदी ने मुझे 500 दिए, बोले ले जा अच्छे से अपना एंजॉय कर लाइफ और हंडी अच्छे से फोड़ना। तो थैंक यू सो मच दिल से मेरी बहन के लिए कंचन दीदी के लिए, थैंक यू सो मच दीदी आप ब्लॉग देख रही हो तो प्यार से कमेंट कर देना अपने भाई के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच माय ब्रदर, मेरा भाई राहुल। तो गाइस मेरे घर वाले भी मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं और बाकी बाहर वाले भी करते हैं। तो ओके गाइस ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो बताओ गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा मैंने हंडी फोड़ा। चलो ब्लॉग यहीं तक एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बाय गाइस। और सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज़ यार, मेरा पैसा तो स्टार्ट हो जाएगा, इतना मेहनत से 2 साल हो गया अभी तक पैसा नहीं आया, छोड़ो एनीवे सपोर्ट करना गाइस। चलो बाय, गुड नाइट, सो जाओ। और मुझे अभी एडिट भी करना है, रात भर एडिट करना है, मॉर्निंग में अपलोड भी करना है ब्लॉग। तो बाय।